जहां भी गिरपुरी के अलग अलग बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, सी ब्लॉक में कैसी स्थिति है। हमारे साथ इस वक्त हमारे हमारे दोनों सहयोगी जतिन और कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है, जहां पर आप मौजूद है सी ब्लॉक में, वहां पर इस वक्त कैसी स्थिति है, क्या बुलडोजर वहां तक पहुंचा है अभी? जी देखिए, सी ब्लॉक और डबल ई ब्लॉक के बीच के स्ट्रेच पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको यहाँ पे तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि पूरी इस जगह पर इंक्रोचमेंट आपको दिखाई देगा। सड़कों तक लोगों ने जो कब्जा किया हुआ था, अब वो कब्जा हटाने पे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और सामने आप बुलडोजर देख रहे हैं, जो बुलडोजर है वो सी ब्लॉक और डबल ई ब्लॉक के बीच में है और ये बुलडोजर आप देख रहे हैं जो कार्रवाई कर रहा है सिविल डिफेंस के लोग, मेरे देख के आपको लग जाएगा। और भैया जो वेरीफाइड चीज यहाँ पर की खड़ी कर बोल रहा है उसकी बानगी तस्वीरें भी, क्योंकि बाहर का जो इंक्रोच ये जो तस्वीरें आप हाँ देख रहे हैं, यहाँ से आप पहले गाड़ी नहीं ले जाया कर सकते थे। ये बाधित थी रोड, वन वे थी रोड, हम पैरेलल रोड का इस्तेमाल करते थे, यहाँ अली रोड का हम इस्तेमाल करते थे। चूंकि यहाँ पर लोगों ने सामान अटापड़ के बाहर लकड़ी के डंडे लगाए थे, उन डंडों को भी अब यहाँ से हटाना शुरू किया है। डर किस बात का, यहाँ पर मशीन किया है, देखिए आप लाइव तस्वीरों देख रहे हैं बुलडोजर की लगाई गई थी, उन दुकानों को भी अब लोग हटा रहे हैं और ये बुलडोजर आप साफ तौर पर देख रहे हैं, इस बुलडोजर के जरिए जो इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा। देखिए कैसी दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी जिसको अब हटाया जा रहा है, कि देखिए बांस डंडों से ऊपर शेड डालकर छोटी छोटी दुकानें घरों के बाहर बनाई थी। फुटपाथ कहाँ है, सड़क कहाँ है, कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल, और इन्हीं बुलडोजर के जरिए अब इंक्रोचमेंट जो है वो हटाया जा रहा है। जेसीबी मशीन आप यहाँ पर देख रहे हैं, डंपर यहाँ पर खड़े किए गए हैं, जो भी माल जो भी समेटा जाएगा उनको इन डंपर्स के जरिए यहाँ से हटाया जाएगा। और आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, सड़क किनारे ये जो छोटा सा काट यहाँ पर बनाया हुआ था फुटपाथ के ऊपर, अब उसको जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये सी ब्लॉक और डबल ई ब्लॉक के बीच की तस्वीरें हैं। जेसीबी ब्लॉक के जरिए इस तरीके का जो कब्जा किया गया था, वैद्य साहब देखिए, ये कोई दुकान नहीं थी, ये घर था किसी का, या कोई लोग यहाँ पर रहते होंगे। कूलर आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिख जाएगा, तखत आपको दिख जाएगा, शीशे आपको दिख जाएंगे, इसी तरीके का सामान यहाँ पर रखा हुआ था। और ये जगह आपको दिखाई, ये जगह क्या है, दरअसल ये सीवर है, सीवर के ऊपर इस तरीके से जो इंक्रोचमेंट है, अवैध निर्माण है, वो सड़क किनारे यहाँ पर किया हुआ था। पीछे आप रिहायशी कॉलोनीज देखेंगे, उसकी बाउंड्री देखेंगे, लेकिन उसके बीच में सड़क के ऊपर किस तरीके से अवैध कब्जा किया गया था, उसी पर कार्रवाई अब जेसीबी के जरिए की जा रही है। आप सिविल डिफेंस के लोगों को भी यहाँ पर देखेंगे जो लगातार वीडियो बना रहे हैं कि अगर कोई स्थिति हो तो सबूत के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जेसीबी के जरिए अब एक्शन में, जहांगीरपुरी का एक्शन आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जेसीबी धीरे धीरे करके जो अवैध निर्माण सड़कों पर किया गया था उसको हटाते हुए आगे बढ़ रही है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं डबल ई ब्लॉक से सी ब्लॉक की तरफ, ये जो जेसीबी है वो यहाँ से मूव कर रही है। लोगों में किस तरीके की अफरा तफरी है वो भी आप देखिए, कि अपने सामान को इस तरीके से रेडी पे लाद कर ले जाकर दूसरी जगह पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और आप इस पूरे इलाके को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि घर कहाँ है, फुटपाथ कहाँ है, सड़क पे किस तरीके से छोटे छोटे कार्ड बनाए गए और किस तरीके से कब्जा किया गया सड़कों पर। आप ये देखिए, ये सड़क का एक हिस्सा है, लेकिन कोई गाड़ी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ था। और सुबह जब पता लगा कि जेसीबी बुलडोजर यहाँ पर चलेंगे, उसके बाद से लोगों ने सामान शिफ्ट करना शुरू किया। आप देखेंगे जेसीबी है वो लगातार सी ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ रही है, डबल ई ब्लॉक और सी ब्लॉक के बीच का ये पूरा स्ट्रेच है, मैं 400 से 500 मीटर के बीच का ये स्ट्रेच है। और धीरे धीरे कर जहां पर भी अभी एक तरफ में ही जो अवैध कब्जा है वो हटाने का काम इस जेसीबी की तरफ से किया जा रहा है। आप देखेंगे इसी रोड पर जो भी अवैध कब्जा दिख रहा है उसको यहां से हटाया जा रहा है। तस्वीरों में आप ये यहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी एक अवैध कब्जा था जिसको अब धा दिया गया, तोड़ दिया गया है। और अब एमसीडी की तरफ से लोग आएंगे, ये जो मलवा होगा, जो चीज़ें होंगी उसको डंपर के जरिए उठाया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे जेसीबी अब सी ब्लॉक की तरफ मूव कर रही है, सी ब्लॉक की तरफ मूव कर रही है और आसपास जो इंक्रोचमेंट है उसको देखते हुए जा रहे हैं। हालांकि पूरा एक रोड मैप जो है वो इसको लेकर तैयार किया गया है कि कैसे जो सड़कों पर अवैध कब्जा हुआ है उसको जो है वो तोड़ा जाएगा। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क, एक तरफ की सड़क आप देखिए, कहाँ सड़क है, कहाँ डिवाइडर है, और सिर्फ एक लेन का ही इस्तेमाल जो है वो यातायात के तौर पर किया जा रहा था। और आप ये तस्वीरें देखेंगे कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए जेसीबी की जो मशीनें हैं वो आगे सी ब्लॉक की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। जेसीबी यहाँ पर रुकी है,
लेकिन आपको यहाँ की तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाएं कि ये सड़क है, आप देखिए बीच में डिवाइडर है, लेकिन एक तरफ की सड़क पे किस तरीके से अवैध कब्जा किया हुआ है ये आप साफ तौर पर देख रहे हैं। कोई गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती, आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर सड़क है, लेकिन एक ही हिस्से का इस्तेमाल लोग कर रहे थे, उसमें गाड़ियों की पार्किंग भी होती है, उसमें आना भी होता है और उसी सड़क से जाना भी होता है। तो किस तरीके से जहांगीरपुरी में अवैध कब्जा, अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया था और लोग अब उस कब्जे को यहाँ से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, ये जेसीबी लगातार सी ब्लॉक की तरफ अब आगे बढ़ रही है। आप ये स्कूल देख रहे हैं, स्कूल के ठीक बगल में वही कुशल चौक है जहाँ पे पूरा हिंसा शुरुआत हुई थी, केंद्र था और सुबह से भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात है, अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। तो सी ब्लॉक पर पहुँचने के बाद यहाँ से जो आगे की कार्रवाई है वो की जानी है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे डबल ई ब्लॉक से जो जेसीबी की मशीन है वो लगातार सी ब्लॉक की तरफ आगे अब आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरा एक खाका तैयार किया गया है कि कैसे जो है अवैध निर्माण को यहाँ से हटाना है, उसी को लेकर तमाम चीजें यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल जतिन, आपने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे अवैध निर्माण को हटाने के लिए अब जेसीबी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। डबल ई ब्लॉक से अब सी ब्लॉक की तरफ ये जेसीबी आगे जा रही है। डंपर्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जगह जहां पर भी सड़क के आसपास अवैध निर्माण था वहां पर पहले उसे जेसीबी की मदद से ढाया गया है, उसके बाद डंपर्स की मदद से अब इसे धीरे धीरे उठाकर पूरे सामान को यहाँ से हटाया जाएगा। क्योंकि ये पूरी प्लानिंग की गई थी, पूरी प्लान तैयार किया गया था कि कहाँ कहाँ अवैध कब्जा है, उस सारे अवैध कब्जे को कैसे हटाया जाना है, कितनी फोर्स की, कितनी सिविल डिफेंस के लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजों को पूरे प्लान के तहत किया गया है। एमसीडी ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, लोगों के लिए एक तरीके से वार्निंग जारी कर दी गई थी कि अपना सामान वहां से हटा लें। जिन लोगों ने वक्त रहते अपना सामान वहां से हटा लिया उनका सामान बच गया, लेकिन जिन लोगों का सामान उस पूरी प्रक्रिया के तहत अब बीच में आया है उस सारे सामान को यहां से ढाया जा रहा है। ये रोड जो है ये कुशल सिनेमा की तरफ जाती है, यानी कि वो जगह जहां पर ये पूरा जो दंगा है वो हुआ था, जिस पूरे दंगे की प्लानिंग जहां पर की गई वहां पर उसे एग्जीक्यूट किया गया। अब वहां पर दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर चलने की तैयारी यहां पर की जा रही है, अलग अलग जगह पर बुलडोजर इस पूरे सामान को उठाते हुए आगे बढ़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।